हेलो एवरीवन, मैं धीरज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि दो तीन चार अंकों की संख्याओं से हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर जो हमारे तरीके होंगे वो वैदिक मैथ वाले तरीके होंगे, क्योंकि इससे जो हमारा आंसर आ जाता है एक लाइन में हमारा इससे आंसर आ जाता है, इसलिए हमें इन तरीकों को सीखना है। यदि आप कंपेयर करोगे इन तरीकों को पुराने वाले तरीकों से, तो आप देखोगे वहां पर हमारे पास कई सारे स्टेप्स में आंसर आता है, जिससे हमारा काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और हमें टाइम ही नहीं देना है ज्यादा कैलकुलेशन में, इसलिए हमें उनकी जगह पर ये वाले तरीके सीखने हैं। और इसके साथ ही जो हमारे कई और तरीके भी होते हैं कि हमें किस जगह पर कौन से वाला तरीका लगाना है मल्टीप्लाई करने के लिए, वो मैं आपको साथ ही साथ कवर करता चलूंगा कि हमारे लिए कौन सा वाला तरीका किस जगह बेस्ट है। तो वो जो चीजें होती हैं वो चीजें आपको कैलकुलेशन करने के साथ आएंगे, और वो चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा कि हमें कहाँ पर कौन सा वाला तरीका लगाना है, जिससे कि आपको अल्टीमेटली आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम दो अंकों की संख्याओं से किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई बाय टू डिजिट नंबर सीखेंगे यहाँ पर सबसे पहले। अब यहाँ पर क्योंकि हम सबसे पहले जो तरीके डिस्कस कर रहे हैं वो वैदिक मैथ वाला तरीका डिस्कस कर रहे हैं, तो वैदिक मैथ में हमारे कुछ नियम है कि हम किस तरीके से नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे मेनली दो नियम है, दो रूल्स हैं। तो वो जो दो रूल्स हैं वो क्या क्या है कि हम जो मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स में, वो हम हमेशा राइट टू लेफ्ट करते हैं, यानी हम जो नंबर्स लेंगे उनमें राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान के चलो आपके पास दो नंबर है, 67 × 98, ये दो नंबर्स हैं आपके पास। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनमें राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करोगे डिजिट्स का। तो पहला रूल हमसे ये कहता है। अब दूसरा वाला रूल हमसे कहता है कि पीछे वाले अंक का मल्टीप्लाई आगे वाले अंक से करेंगे, यानी पीछे वाले डिजिट जो होगा हमारा उस वाले डिजिट का मल्टीप्लाई आगे वाले डिजिट से करेंगे। अब ये पीछे वाला डिजिट कौन सा है और आगे वाला डिजिट कौन सा है, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो वो हमारे पीछे वाला और आगे वाले डिजिट कौन सा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करने के साथ बताऊंगा कि कौन से वाले पीछे वाले डिजिट है और कौन से वाले आगे वाले डिजिट है। अब सबसे सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा एग्जाम्पल है कि हमें 54 का मल्टीप्लाई 78 से करना है, तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज यहाँ पर हम सीखेंगे। हमारे पास नंबर क्या है, 54 है, और एक नंबर क्या है, 78 है। हम जो नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे वो हम राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो राइट टू लेफ्ट आप देखोगे इस वाले नंबर में राइट वाला डिजिट क्या है, हमारे पास ये है, और इस वाले नंबर में राइट वाला डिजिट हमारे पास क्या है, ये है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, 8 × 32 बनेगा। आप 32 की 2 और हासिल क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो गया, अब आपको क्या चलना है, आगे चलना है, आपको राइट में आगे चलना है। तो राइट में आप आगे चलोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40। तो आपको 40 एक साइड लिख लेना है। अभी हम कैलकुलेशन को समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि यहाँ पर भी ज्यादा स्टेप लग रहे हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल ओपनली एक्सप्रेस करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक्सप्रेशन बनती है और किस तरीके से नंबर्स के मल्टीप्लाई होते हैं। जब ये चीजें आप सीख जाओगे तो आपका भी आंसर जो है एक लाइन में आ जाएगा और आप भी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर पाओगे अपनी को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना था, 8 का मल्टीप्लाई 5 हुआ, तो 8 × 5 = 40 बना, आपने 40 यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला रूल है वो यहाँ पर काम करेगा। अब दूसरा वाला रूल क्या कहता है, पीछे वाले अंक का मल्टीप्लाई आगे वाले अंक से करेंगे। अब आपने जिस नंबर में मल्टीप्लाई किया था वो क्या था, हमारा 5 था। अब आपको देखना है जिस नंबर में मल्टीप्लाई किया था क्या उसके पीछे कोई डिजिट है, हाँ यहाँ पर है। अब जो पीछे वाला डिजिट है उसका मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करना है, आगे वाले डिजिट के साथ करना है। अब आगे वाला कौन सा डिजिट होगा, जिस नंबर से आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, किस नंबर से कर रहे थे, 8 से कर रहे थे। तो 8 के आगे वाला कौन सा डिजिट है, 7 है। तो आपको क्या करना है, 7 का मल्टीप्लाई 4 से करना है, यानी पीछे वाले अंक का आगे वाले अंक से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 4 × 7 = 28 हो जाएगा। और आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 68 आ जाएगा। अब 68 और 3 यहाँ पर हमारे पास हासिल पहले से दी थी, और 68 और 3 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। 71 का 1 और हासिल कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट हो रहा होगा कि हमने यहाँ पर जब 8 का मल्टीप्लाई 4 में किया था तब हमने ये वाला रूल क्यों नहीं लगाया, दूसरा वाला रूल। तो आप देखोगे जब हमने 4 में मल्टीप्लाई किया था तो उसके पीछे कोई हमारे पास डिजिट नहीं था, 4 के पीछे हमारे पास कोई डिजिट नहीं था। जब हमारे पास पीछे डिजिट होता है और आगे डिजिट होता है तब ये वाला रूल लगता है हमारा। अब क्योंकि यहाँ पर नहीं था तो इसलिए यहाँ पर सिंगल मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पर 8 का 4 में, इसलिए यहाँ पर 8 × 32 बना था, और हासिल कितनी आई थी, 3 आई थी। अब हमारा आप देखोगे हमने 5 8 का मल्टीप्लाई 5 तक कर लिया। अब हमारा 8 का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, 7 का मल्टीप्लाई करना है,
आखिरी वाले अंक में, अब 7 का मल्टीप्लाई आखिरी वाले अंक में करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 5 35 आ जाएगा। अब 35 और 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो हमारा जो मल्टीप्लाई आएगा क्या आएगा, 4212 आएगा। तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कुछ लोगों को यहाँ पर भी डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर भी जब हमने 7 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो ये दूसरा वाला रूल क्यों नहीं लगाया। दूसरा वाला रूल आप देखोगे पीछे वाले अंक का आगे वाले अंक से, अब 7 के आगे कोई हमारे पास डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर हमारे 7 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पर ये दूसरा वाला रूल नहीं लगाएंगे। हम सिंगल यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और वो यहाँ पर लिख देंगे हम 7 5 35, और 7 हमारे पास हासिल पहले से थी, तो 35 और 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 4212 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, 4212 आ गया। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, लेकिन आपको ये चीजें तो याद रखनी है हमेशा कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब दो डिजिट के नंबर्स होते हैं तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जिसको हम आगे ट्रिक का नाम दे देंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं मल्टीप्लाई हम, कि आपको क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें करना होता है। तो 8 6 32 हो जाएगा, 32 की 2 हासिल 3, जो एक लाइन में बात करने वाली बात कही गई थी शुरुआत में मेरे द्वारा, वो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक लाइन में। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, 8 6 32 की 2 हासिल 3। अब आपको क्या करना होता है, इसके आखिरी आखिरी वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई और बीच बीच वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। और ये किस तरीके से बना था वो हमने यहाँ पर समझा किस तरीके से ये बना था। तो जब आखिरी आखिरी वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, और बीच बीच वाली का करोगे तो 7 6 28, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब 40 और 28 दोनों को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। अब 40 और 28 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 और 3 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 71 की 1 और हासिल कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, 7 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, 7 का मल्टीप्लाई 5 में करना है। 7 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, 35 और 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर एक लाइन में आ जाएगा। तो ये चीजें जो है आपको प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होंगी कि हम किस तरीके से एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। और ये तरीका अभी शायद आपको लग रहा हो कि ये भी का तरीका काफी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो ये तरीका आपको याद हो जाएगा और आप डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकाल पाओगे। तो अभी हम एक और एग्जांपल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे। सबसे पहले हम रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलते हैं कि जो रूल्स हमारा कहता है कि राइट टू लेफ्ट चलना है। तो राइट टू लेफ्ट आप चलोगे तो पहले आप क्या करोगे, 8 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 8 5 56 की 6 फिर 5 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे क्योंकि यहाँ तक तो कम्प्लीट हो गया। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। अब पीछे वाले अंक का आगे वाले अंक से, तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 7 6 28 हो जाएगा। अब आप क्या कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 8 6 12 की 2 हासिल 1 52 बन जाएगा। अब 52 प्लस 5, क्योंकि 5 हमारी हासिल पहले थी। अब 52 और 5 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 57 की 7 और हासिल कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर देना, 4 3 12, और 12 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यानी इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारे पास, 1776 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1776 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे कि हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने रूल पोजीशन के हिसाब से बता दिया, अब यहाँ लेकिन हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि जैसे हम सीख चुके हैं। अब आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 3 8 24 की 4 हासिल 2। आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो 3 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और फिर क्या करोगे, आप इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इस वाले नंबर में करोगे, 8 2 8 64, 64 और 21 कितना हो जाएगा हमारा, 85 हो जाएगा। 64 और 21 कितना हो जाएगा, 85, और 85 और 2 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 87 की 7 और हासिल कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, 8 का मल्टीप्लाई आखिरी वाले नंबर में कर देना है, आखिरी वाले डिजिट में कर देना है। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब 56 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 64 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6474 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6474 आएगा। तो ये हम इस तरीके से दो डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो इन तीन एग्जांपल्स में समझा, वो हमने यहाँ पर ये समझा कि दो डिजिट का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं वो दो डिजिट वाले नंबर के साथ करते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है, एक नंबर है 2 डिजिट का, एक नंबर है 3 डिजिट का, तो आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 274 लिखोगे इंटू 87 यहाँ पर लिखोगे। अब यहाँ पर हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, जो हमारे रूल्स कहते हैं। अब रूल्स क्या कहते हैं कि हमें राइट टू लेफ्ट चलना है। तो राइट टू लेफ्ट चलोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्योंकि हम दो डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर पहले इसको लिख लिया, इसलिए हमने यहाँ पर 274 * 87 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। तो राइट टू लेफ्ट चलोगे तो आप इस वाले डिजिट का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, इस वाले डिजिट में करोगे, तो कितना हो जाएगा, 7 6 28 हो जाएगा, 28 की 8 हासिल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
अब आपको आगे चलना है, आगे चलोगे तो इस वाले डिजिट का मल्टीप्लाई इसमें होगा, सत्तू सत्तू कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 हो गया हमारे पास। अब आप देखोगे इसके पीछे एक डिजिट है और इसके आगे भी एक डिजिट है, तो आप इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 32 हो जाएगा, और आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 81 आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 81 हो जाएगा, और 81 और 2 हमारे पास ऑलरेडी था हासिल में, तो 81 और 2 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 83 की 3 हासिल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे और यहाँ तक हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है, अब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 7 2 14 हो जाएगा, 14 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 56 और 14 हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 और 8 कितना यहाँ पर हासिल थी हमारे, तो 70 और 8 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78 की 8 और हासिल कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब 7 का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुका, अब आपको क्या करना है, 8 का मल्टीप्लाई आखिरी वाले डिजिट में कर देना है, तो 8 का मल्टीप्लाई आखिरी वाले डिजिट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा। अब 16 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 23 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा मल्टीप्लाई आएगा आएगा वो क्या आएगा, 2 3 8 3 8 आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ गया वो एक लाइन में हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन को कर सकते हैं इस वाले तरीके से। अभी हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर तो मैंने 2 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लाई 3 डिजिट वाले नंबर के साथ किया, अब हम इसको और बढ़ाते जाएंगे कि 2 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लाई मान के चलो आपको 4 डिजिट वाले नंबर के साथ करना है, तो आप किस तरीके से करोगे। हमारा जो रूल रहेगा वो केवल यही रहेगा कि राइट टू लेफ्ट चलना है और पीछे वाले नंबर को देखना है, आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो ये चीज हमारे 2 रूल है, बस इन्हीं 2 रूल को आपको फॉलो करते जाना है। अब जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 8 9 7 6 का 67 के साथ, तो आपको क्या करना है, इस वाले राइट टू लेफ्ट चलना है, इस वाले डिजिट का मल्टीप्लाई सबसे पहले इस वाले डिजिट में करना है, कितना आ जाएगा, 7 6 42, 42 की 2 हासिल कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो इस वाले डिजिट का मल्टीप्लाई इस वाले डिजिट में करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 7 49 हो जाएगा। अब आपने देखा इसके पीछे डिजिट है, इसके आगे भी डिजिट है, तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर कितना बनना था, 49 बनना था, और यहाँ पर जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना बनना था, 6 6 36 बनना था। अब 49 और 36 को आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 49 और 36 हमारा कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो यहाँ पर 85 और हमारा 4 हमारा कैरी ऑलरेडी था, तो 85 और 4 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 89 की 9 और हासिल कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब आपको आगे बढ़ना है, फिर जब 7 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो कितना हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा। और जब आप 6 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे साथ में, क्योंकि इसके पीछे डिजिट था उसके आगे भी डिजिट था, तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई आपको लेना होगा, तो कितना हो जाएगा, 7 9 63 7 6 कितना हो जजाएगा, 42 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 105 और हासिल हमारे पास 8 पहले से थी, तो कितना हो जाएगा, 105 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 113 हो जाएगा, 113 की 3 और हासिल कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब आप आगे जाओगे, यहाँ तक तो आप मल्टीप्लाई कर चुके, अब 7 का मल्टीप्लाई आगे वाले डिजिट में करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, अब कितना हो गया, 56 हो गया। अब क्योंकि इसके पीछे डिजिट थी इसके आगे भी डिजिट थी, तो इनका भी मल्टीप्लाई आपको लेना होगा साथ में। जब इनका मल्टीप्लाई लोगे तो आप कितना आ जाएगा, 9 6 54, कितना आ जाएगा, 9 6 54, तो 54 आप इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 110 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब 110 और 11 कितना हो जाएगा हमारे पास, 121 हो जाएगा, 121 की 1 और हासिल कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी हमारे पास। अब क्योंकि 7 वाले डिजिट का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया है, अब 7 वाले डिजिट का मल्टीप्लाई जब कंप्लीट हो गया तो हमें क्या करना है, इस वाले डिजिट का मल्टीप्लाई आखिरी वाले डिजिट में कर देना है। इस वाले डिजिट का मल्टीप्लाई आखिरी वाले डिजिट में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 8 48, 48 और 12 कितना होता है, 60 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी हमारा जो आंसर आ गया क्या आ गया, 601392 आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, 601392 आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर एक लाइन में यहाँ पर भी आ गया। तो इसलिए यहाँ पर ये वाले हमें तरीके सीखने हैं, क्योंकि हमें जो आंसर दे रहे हैं ये वाले मेथड, वो एक लाइन में हमें आंसर दे रहे हैं। और आप हो सकता हो कि अभी थोड़ा ये सोच रहे हो कि ये तरीके थोड़े डिफिकल्ट हैं, टाइम ले रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव हो जाएंगे, आपको इसमें तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे इंप्रूव नहीं होंगे। यदि आप इन वाले तरीके को साथ मुश्किल से 10 दिन भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये इंप्रूव हो जाएंगे और आप भी काफी जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे नंबर्स को। तो ये अभी हम एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 2 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लाई 3 डिजिट वाले नंबर के साथ किया, यहाँ पर 2 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लाई 4 डिजिट वाले नंबर के साथ किया, अब यहाँ पर 2 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लाई 5 5 डिजिट वाले नंबर के साथ करेंगे, ताकि ये वाला मेथड हमें और अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पर हमें जो मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, 5 6 7 8 3 का 35 में करना है।
जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में, तो क्या बनेगा हमारे पास? सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, राइट टू लेफ्ट चलना है, 5 3 15 15 की 5 हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 5 8 40 हो जाएगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा क्योंकि पीछे वाला डिजिट है और आगे वाला भी डिजिट है, इनका भी मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 3 3 9 40 और 9 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 और 1 50, 50 की 0 हासिल कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहां तक मल्टीप्लाई हो गया तो अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। अब 35 और यहाँ पर कितना हो रहा है, पीछे वाला डिजिट और एक आगे वाला डिजिट, ये क्या हो रहा है, 8 3 24 हो रहा है। अब 35 और 24, 8 3 24, 35 और 24 को आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 59 हो जाएगा। 59 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 64 हो जाएगा। 64 की 4 हासिल कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया, अब आगे बढ़ो आप। अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 30 हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 21 हो जाएगा। 5 का 30 और 7 3 21, 30 और 21 कितना हो जाएगा हमारा, 51 हो जाएगा। 51 और 6 57 हो जाएगा, 57 की 7 हासिल कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आप आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई, डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 55 25 बनेगा, और 6 3 18, 25 और 18 इनको आपको ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 3 3 8 और ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 25 और 18 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43 और 5 हमारे पास हासिल पहले से थी, तो 43 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 48 हो जाएगा, 48 की 8 और हासिल कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब आप देखोगे 5 वाले डिजिट का मल्टीप्लाई हमारा कंप्लीट हो चुका। अब आपको क्या कर देना है, इस वाले डिजिट का मल्टीप्लाई आखिरी वाले डिजिट में कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब 15 और 4 कितना होता है, 19 होता है, यानी हमारे इस वाले नंबर, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर 1987405 आएगा। क्या आएगा, 1987405 आएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हम 3 डिजिट के नंबर्स के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सीखा कि हम 2 डिजिट वाले नंबर्स के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी इसी को हम फर्दर एक्सटेंड करते जाएंगे, 3 डिजिट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, फिर उसके बाद 4 डिजिट वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अभी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि 3 अंकों की संख्या के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है हमें। अभी हमने सीखा कि हमने 2 अंकों की संख्याओं से किस तरीके से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हम सीखेंगे कि 3 अंकों की संख्याओं से हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा तरीका होगा मल्टीप्लाई करने का, वो हमारा सेम होगा 2 अंकों की संख्याओं के साथ, जैसे हमने किया था वैसे ही हम 3 अंकों की संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। और यहाँ पर हमारे जो रूल्स भी रहेंगे वो सेम रहेंगे, कि पहला वाला रूल्स क्या कहता है, हमें राइट टू लेफ्ट जाना है, और दूसरा वाला रूल्स कहता है कि पीछे वाले अंक का मल्टीप्लाई आगे वाले अंक से होगा, यदि पीछे वाले अंक और आगे वाले अंक हमारे पास है तो। तो ये दोनों तरीके आपको यहाँ पर भी लगाने हैं, और इसके साथ ही आपको कैलकुलेशन करनी है। तो आप 2 अंक क्या, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक किसी भी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि आपको 342 का मल्टीप्लाई 274 के साथ करना है, आपको करना 342 का मल्टीप्लाई 274 के साथ करना है। तो यहाँ पर हमारा तरीका सेम रहेगा कि सबसे पहले हमें राइट से स्टार्टिंग करनी है। तो राइट से स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करना होगा, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 2 8, तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ, 16 हो गया, तो इसके पीछे वाला अंक इसके आगे वाला अंक क्या, 7, 2 और 7 का मल्टीप्लाई भी होगा, तो 2 और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, और यहाँ पर कितना बनना था, 16 बनना था, 16 और 14 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 की 0 और हासिल कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है इस वाले के साथ, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 3 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 हमारे पास यहाँ पर हो गया, अब आपको क्या करना है, इसके पीछे वाला एक डिजिट है, इसके आगे भी एक डिजिट है, तो आपको इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने इनका मल्टीप्लाई अभी किया, आपको इनका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब आपने देखा इस वाले नंबर के पीछे भी एक डिजिट है, इस वाले नंबर के आगे भी डिजिट है, तो आपको इन वाले नंबर्स का, इन वाले डिजिट का भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देना है, इन तीनों नंबर्स को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 14 की 4 हासिल 1 और 2 और 2 4 44 हो जाएगा। तो 44 और 3 हमारे पास हासिल थी, तो 44 और 3 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 47 की 7 और हासिल कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इस वाले 3 अंक वाली संख्या में और 2 अंक वाली संख्या में जो डिफरेंस था वो हमारा यही था कि आपने देखा होगा कि हमारे पास वहां पर 2 नंबर्स तक सम होता था, यहाँ पर 3 नंबर्स तक का सम होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ये डिजिट बढ़ने से एक नंबर और बढ़ गया है यहाँ पर हमारे पास सम करने के लिए। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी हमारा जो प्रोसेस है मल्टीप्लाई करने का
वो हमारा बिल्कुल सेम है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अभी हमने 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर लिया, तो 4 का मल्टीप्लाई हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी किसकी आएगी, 7 की बारी आएगी। तो 7 का मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे, आखिरी वाले अंक में 7 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आपने देखा पीछे एक डिजिट है, आगे भी डिजिट है, तो आपको इस 4 का मल्टीप्लाई 2 में भी करना होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 21 यहाँ पर बनना था, 7 3 21, 21 और 8 कितना हो गया, 29 हो गया। 21 और 8 29 हो गया, 29 और 4 हमारा हासिल पहले से था, 29 और 4 33 की 3 हासिल 3 हो जाएगी। अब 7 का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया, बारी किसकी, 2 की। तो 2 का मल्टीप्लाई आपको 3 में करना होगा आखिरी वाले अंक में। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 3 6 और 6 और 3 9। तो इस तरीके से हमारा जो मल्टीप्लाई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 93708 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक लाइन में इसका भी आंसर निकाल सकते हो, 93708। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं, ताकि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम करेंगे 236 का 987 के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 7 का मल्टीप्लाई 6 में करना होगा, 7 6 42, 42 की 2 हासिल कितनी होगी, 4 हो गई। अब आपको क्या करना होगा, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करना होगा, 7 3 21, और 6 का मल्टीप्लाई आपको किस में करना होगा, 8 में करना होगा, 6 8 48। अब 48 और 21 को आप कसम करना होगा, कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा हमारा, 69 और 3 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 73 का 3 और हासिल कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। आप आगे बढ़ोगे तो 7 का मल्टीप्लाई आपको 2 में करना होगा, 7 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर आपको 3 का मल्टीप्लाई 8 में करना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। फिर आपको 6 का मल्टीप्लाई 9 में करना होगा तो 6 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। आपको क्या करना, इन तीनों को कर देना एड, तो 4 3 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगी यहाँ पर, 5 और 2 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 92 और 7 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 99 की 9 और हासिल कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब 7 का मल्टीप्लाई हमारा कंप्लीट हो गया, अब आपको किससे करना होगा, 8 से करना होगा। तो 8 का मल्टीप्लाई आखिरी वाले डिजिट में करोगे तो 8 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 होगा। पीछे डिजिट है, आगे भी डिजिट है, तो आपको इनका मल्टीप्लाई भी करना होगा, इनका, तो आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27। अब 16 और 27, 3 9 27 और 8 2 16, आप इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 52 हो जाएगा, 43 और 9 52 हो जाएगा, 52 का 2 और यहाँ पर हासिल कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हमारा 8 का मल्टीप्लाई भी कंप्लीट हो गया। अब बारी किसकी आएगी, 9 की आएगी। तो 9 का मल्टीप्लाई आखिरी वाले डिजिट में करेंगे तो 9 2 कितना होता है, 18 होता है, 18 और 5 कितना होता है, 23 होता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 932 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 232932 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। अब इसको और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने मल्टीप्लाई जो किया था, 3 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लाई 3 डिजिट वाले नंबर के साथ किया था, यहाँ पर भी हमने 3 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लाई 3 डिजिट वाले नंबर के साथ किया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 3 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लाई जब हमें 4 डिजिट वाले नंबर के साथ करना हो, तो यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे। आपको करना 3 4 28 का मल्टीप्लाई करना है, 245 में करना है। तो आप 245 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो आप किस तरीके से करोगे, ये हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, बस एक यहाँ पर हमारे पास डिजिट बढ़ गया है। तो एक डिजिट बढ़ गया है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा वही प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 40 की 0 हासिल कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आप 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 5 2 10 हो गया, और 8 का मल्टीप्लाई 4 में कर दोगे तो 8 6 32 हो गया, और 10 यहाँ पर बनना था, 32 यहाँ बनना, 10 और 32 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 42 और 4 46 की 6 और हासिल कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 20, इस 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो 2 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 20 और 8। और फिर आप 8 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 8 2 यहाँ पर 16 हो जाएगा, इन सभी को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 की 4 हासिल 1 और 2 और 2 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब 44 और 4 कितना है हमारे पास, हासिल है पहले से, 44 और 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 की 8 हासिल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब 5 का मल्टीप्लाई आप आगे करोगे इस नंबर में, इस वाले डिजिट में, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, और इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 4 में, 15 यहाँ पर बनना था, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 16 आ जाएगा। और फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हुए हैं इस तरीके से। तो 2 का मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब आप इन सभी को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 16 और 4 20 बनना, 20 और 15 कितना, 35 हो गया, 35 हासिल 4 पहले से थी, 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39 की 9
और हासिल कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आपने देखा कि हमारा 5 का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुका है, अब किसकी बारी आएगी, 4 की बारी आएगी। 4 का मल्टीप्लाई आखिरी वाले डिजिट में करेंगे, तो 4 थी या 12, इस 4 का मल्टीप्लाई इस वाले 4 का मल्टीप्लाई फिर आप इसमें करोगे, तो 4 दूनी 8, और 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 और 3 23 की 3, हासिल कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हासिल कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आपको क्या करना होगा, 4 का मल्टीप्लाई भी कंप्लीट हो गया, अब आपको क्या करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा आखिरी वाले डिजिट में। तो आखिरी वाले डिजिट में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 2 8। तो यहां पर हमारा जो मल्टीप्लाई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 839860 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 839860 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अभी हमने 3 अंक की संख्या से 4 अंक के नंबर में मल्टीप्लाई किया, अभी हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, हम 3 अंक की संख्या से 5 अंक वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अंक की संख्या से 5 अंक वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा, हमें क्या करना होगा, पहले नंबर लिख लेते हैं, 64823 इंटू 567, आपको 567 से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर में मल्टीप्लाई करना है। तो आप हमारा जो प्रोसेस रहता है वो सेम रहता है, आपको क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे आप 3 में, तो कितना हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, 21 की 1 हासिल 2 आ जाएगा। फिर आप 7 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 2 में करोगे, 7 2 14, और 3 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे, तो 3 6 18, और 14 और 18 कितना हो जाएगा हमारा, 14 और 18 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 34 की 4, और हासिल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, 7 का मल्टीप्लाई आगे करना होगा, इसमें करोगे 7 8 56, कितना हो गया, 56 हो गया। अब आपको क्या करना होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 6 में करना होगा, तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई 5 में करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। और इन सभी को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, इन सभी को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 2 13 3, हासिल 1, और ये कितना हो जाएगा, 5 6 7 8, कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 83 और 3 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, 86 की 6, और हासिल कितनी हो जाएगी हमारे पास, 8 हो जाएगी। अब आपने यहां तक मल्टीप्लाई कर लिया, अब आपको 7 का मल्टीप्लाई किस में करना होगा, 4 में करना होगा, तो 7 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और फिर इस 8 का मल्टीप्लाई आपको 6 में करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करना होगा, 10 हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, इन सभी को ऐड करना होगा, तो 8 और 16 की 6, हासिल 1, और ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 7 8, कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 86 और 8 कितना होता है हमारा, 96 और 94 की 4, हासिल कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया, तो आप आगे करोगे इसमें, तो 7 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, इसमें करोगे, 7 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, इसमें करोगे, तो 7 6 कितना हो जाएगा हमारा, 42 हो जाएगा। और 4 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऐड कर दोगे इन सभी को, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, और 4 और 4 8 और 2 10, कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। अब 106 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 106 और 9 115 की 5, हासिल कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब 7 का मल्टीप्लाई हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब आपको क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है आखिरी वाले डिजिट के साथ, तो 6 का मल्टीप्लाई आखिरी वाले डिजिट में करोगे तो 6 6 36 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 4 5 20 हो जाएगा। 36 और 20 कितना होता है, 56 होता है, और 56 और 11 कितना हो जाएगा हमारा, 56 और 11 हो जाएगा 67, तो 67 की 7, और हासिल कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब 6 का मल्टीप्लाई भी कंप्लीट हो गया, अब बारी किसकी आएगी, 5 की आएगी, 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे आखिरी वाले डिजिट में, तो कितना हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, और 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3675 4641 आएगा, क्या आएगा, 3675 4641 आएगा। तो इस तरीके से 3 डिजिट वाले नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसके आगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम 4 डिजिट वाले नंबर के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 4 डिजिट वाले नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो तरीका वो सेम रहेगा। आपने देखा कि 3 डिजिट वाले नंबर्स में हम 3 नंबर्स का सम करते थे, 3 नंबर्स बन रहे थे। अब 4 डिजिट वाले में क्या होगा, 4 नंबर्स हमारे पास बन जाएंगे, उन 4 का सम करना होगा, और सम करने के बाद बाकी का प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो नंबर्स का, जो कि दोनों के दोनों हमारे पास 4 डिजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारा मेथड होगा मल्टीप्लाई करने का, वो हमारा सेम होगा पुराने वाले स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया था उनसे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स का, तो सबसे पहले नंबर्स लिख लेते हैं, 5467 इंटू 8283, हमें इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करना होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 21 की 1 हासिल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ इसमें मल्टीप्लाई हो गया, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 8 में होगा। ये यहाँ पर कितना हुआ था, 3 6 18 और 7 8 कितना हो गया, 56 हो गया।
अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 की 4, फिर 1 और 5 और 2 7, कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। 74 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 76 हो जाएगा। 76 का 6 आंसर कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई आगे करना है इस नंबर में, इस डिजिट में, इस डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 चौक 12 आ जाएगा। इस 6 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 6 8 48 हो जाएगा। इस 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इन सभी का क्या करना होगा, हमें सम करना होगा, 8 और 2 10 और 6 14 की 4, फिर 1 और 4 और 2 6 और 1 7, कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। 74 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 81 हो जाएगा। 81 की यहाँ पर 1 आ जाएगी और हासिल कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो ये हमारी हासिल आ गई यहाँ पर। अब यहाँ तक हमारा मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई आगे करेंगे इस डिजिट में तो क्या हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा। और 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 4 8 32 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 2 12 हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। अब इन सभी का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 और 2 7 और 2 9 और 9 6 15 5 हासिल 1 और 3 और 2 5 6 और 6 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। यानी कितना हो गया 115 हो गया। अब 115 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। 123 की 3 हासिल कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब हमारा 3 का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुका है। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें आखिरी वाले डिजिट में, तो 8 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस 6 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे इसमें तो 6 8 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अभी 40 और 8 48 और 48 और 48 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 96 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 108 हो जाएगा। 108 की 8 और हासिल कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब इस 8 का मल्टीप्लाई भी कंप्लीट हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें आखिरी वाली डिजिट में, तो 2 5 10 हो जाएगा और 4 8 32 हो जाएगा। 10 और 32 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 और 10 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 52 की 2 और हासिल कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इस 2 का मल्टीप्लाई भी कंप्लीट हो गया। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से करेंगे, किसमें आखिरी वाली डिजिट में, तो 8 5 कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। 40 और 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी जो हमारा मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आएगा 4528 3161 आएगा। क्या आएगा 4528 3161 आएगा। तो इस तरीके से इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या है, ये आ गया। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो नंबर्स का। यहाँ पर हम 4 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 6 डिजिट वाले नंबर से। अभी हमने मल्टीप्लाई किया 4 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लाई 4 डिजिट वाले नंबर से किया। अब यहाँ पर भी हम सेम वाला सेम प्रोसेस लगाएंगे जो हमने ऊपर प्रोसेस लगाया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं 843 843 × 5683। आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 5683 से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें तो हो गया, अब इसमें करोगे 3 6 12 हो जाएगा। और फिर इस 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे 8 में, तो 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 3 8 24 और 24 और 12 हमारा पहले था, कितना हो जाएगा 24 12 36 36 की 6 हासिल कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब यहाँ तक हमारा मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, इस 8 में कर दोगे तो 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पर किया आपने 3 8 24 हो गया। इस 4 का मल्टीप्लाई आपको 8 में करना होगा तो 4 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई आपको 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा 3 6 18 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, इन सभी को ऐड करना होगा, 8 2 10 और 6 14 की 4 हासिल 1 3 2 5 6 और 1 7 74 हो गया। 74 और 3 77 की 7 और हासिल कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब यहाँ तक हमारा मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई आप आगे इस डिजिट में करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 3 3 8। 8 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 8 2 8 64 हो जाएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई इस 6 में करोगे तो 4 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, इन सभी को ऐड करना होगा। तो इन सभी को ऐड करोगे तो आप कितना हो जाएगा 4 और 4 8 और 5 13 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 13 और 9 क्या होता है 22 होता है 22 की 2 और हासिल 2 हो जाएगा। 6 और 4 10 और 1 11 कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। 112 और 7 कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। 119 की 9 और हासिल कितनी हो जाएगी 11 आ जाएगी। अब यहाँ तक हमारा मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई आप 8 में करोगे तो 3 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 8 24 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस 8 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 8 6 48 हो गया। फिर 4 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे 5 में करोगे तो 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप करोगे इन सभी का, फिर आप क्या करना होगा सम करना होगा। तो इन सभी का सम करोगे तो आप कितना बन जाएगा 8 4 12 8 4 12 2 14 की 4 फिर 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 और 1 2 2 4 4 4 8 2 10 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। अब 104 और 11 कितना हो जाएगा हमारे पास 115 हो जाएगा। 115 की 5 और हासिल कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी।
अब यहां तक हमारा मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या, आपको क्या करना होगा, तीन का मल्टीप्लाई आठ में करना होगा, तो तीन अट्टे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर चार का मल्टीप्लाई आठ में करोगे तो चार अट्टे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। फिर तीन का मल्टीप्लाई आपको छह में करना होगा तो तीन छे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर इस आठ का मल्टीप्लाई पांच में करोगे तो आठ पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब आपको इन सभी का सम करना होगा, तो सम करोगे तो कितना हो जाएगा, आठ और दो 10, अच्छा 14 की चार, आंसर एक। और दो और तीन पांच और एक छह और एक सात, सात और चार कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 114 बन गए, 114 और 11 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 की पांच आंसर कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब तीन का मल्टीप्लाई हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, आठ से मल्टीप्लाई करना होगा आखिरी वाले डिजिट में, तो आठ से मल्टीप्लाई करोगे आखिरी वाले डिजिट में तो कितना बन जाएगा, 2 2 64 बन जाएगा। इस फिर चार का मल्टीप्लाई आपको छह में करोगे तो चार छह कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर तीन का मल्टीप्लाई पांच में करोगे तो तीन पंच कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, चार और चार आठ और पांच तेरह की तीन, आंसर एक। छह और दो आठ और दो 10 कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। अब 103 और 12 कितना हो जाएगा, 115, 115 की पांच, फिर आंसर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 11 आ जाएगी। इस आठ का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। बारी किसकी आएगी, इस छह की आएगी, तो छह से मल्टीप्लाई करोगे आप आठ में तो छह आठ कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इस चार से मल्टीप्लाई करोगे पांच में तो चार पंच कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 48 और 20 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 और 11 हमारा कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 68 और 11 हमारा कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। 79 की 9 और हासिल कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। हासिल कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब 6 का मल्टीप्लाई भी हमारा कंप्लीट हो गया। बारी किसकी आएगी, 5 की। 5 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे आप तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। 40 और 7 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यानी जो हमारा मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आएगा, 4795559769 क्या आएगा, 4795559769 आएगा। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो नंबर मैंने यहाँ पर लिए थे, कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट नंबर ले लिए, लेकिन इतने डिफिकल्ट नंबर्स हमारे पेपर में नहीं आते हैं। जो भी नंबर्स हमारे आएंगे वो यूजुअली ऐसे आएंगे जिसको आप कर सकते हो, और अगर आए भी इतने डिफिकल्ट नंबर तो आप इसको भी विद टाइम सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पर तो हमें इसलिए टाइम लग गया कि क्योंकि मैं आपको समझा के सॉल्व करा रहा था। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपके पास नॉर्मल जो हमारे पास कैलकुलेशन थी, जो हमारी दो डिजिट का, दो डिजिट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, इसको तो आप 5 से 6 सेकंड में कर सकते हो। जैसे इसको मल्टीप्लाई करना हुआ, या फिर आपको 286 को 97 से मल्टीप्लाई करना हुआ, तो ये तो आप 10 to 15 सेकंड या 10 सेकंड में भी कंप्लीट कर सकते हो, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो। तो इसलिए हमें इन मेथड की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे टाइम सेव कराती है और इससे हमारा जो आंसर आ जाता है, एक लाइन में आंसर आ जाता है। तो आज हमने 2 3 4 डिजिट की नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा। अभी हम इसकी कुछ और मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे जो हमारे पास वो अलग मेथड पे इनसे, क्योंकि कुछ नंबर्स हमारे ऐसे होते हैं उनमें वो वाले मेथड लगाना ज्यादा अच्छा रहता है इन कंपैरिजन टू दिस। ये वाले मेथड जो मैंने आज डिस्कस किए, ये हमारे यूनिवर्सल मेथड है। जब आपको कोई मेथड नहीं आता है कैलकुलेशन करने के लिए, तो आप इन मेथड्स को लगाओगे तो आपकी कैलकुलेशन हमेशा हो जाएगी। लेकिन कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं, यदि आप उन नंबर्स को मल्टीप्लाई उन नंबर उस वाले मेथड को लगाओगे तो आपकी कैलकुलेशन इनसे भी ज्यादा आसान हो जाएगी। जैसे कि मान के चलो आपको 55 का मल्टीप्लाई करना है 57 के साथ करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या आएगा, हमारे पास 56 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो इस तरीके से भी हम मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है कि हमें कैसे पता चला कि 56 का स्क्वायर माइनस 1 आया, या फिर आपको मल्टीप्लाई करना 102 का 97 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये कुछ हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन होते हैं जिनको हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।